हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हमारा हिंदी के अंदर जो हिंदी अनिवार्य है, इसका गद्य खंड का पहला चैप्टर है, यानी अध्याय नंबर 11, महादेवी वर्मा। ठीक है, वैसे काव्य खंड तक का तो हमने सभी देख लिए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हमारा गद्य खंड यानी महादेवी वर्मा जो है दोस्तों, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी 21 क्वेश्चन लेके आया हूँ इस अध्याय के, आपको कन्फर्म यानी पक्का कर लेना है। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना है, क्योंकि 21 क्वेश्चन में से ही इनमें से ही प्रश्न बनेंगे दोस्तों। ठीक है, 21 क्वेश्चन है महादेवी वर्मा जो भक्तिन है, भक्तिन से जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, जैसे भक्तिन पाठ के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो भक्तिन जो पाठ है हमारा अध्याय नंबर 11, जिनके रचयिता महादेवी वर्मा है, तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा कि भक्ति पाठ के रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा है। तो आपको जल्दीबाजी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से, भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी, तो भक्तिन जो है दोस्तों महादेवी वर्मा से यानी 25 वर्ष तक बड़ी थी। ठीक है, 25 वर्ष। तीसरा है कि भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी, भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी, तो दोस्तों छाया के समान। चौथा है कि भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था, तो भक्तिन का सूरवीर पिता दोस्तों जूसी गांव का रहने वाला था। किस गांव का रहने वाला था दोस्तों, जूसी गांव का। छठा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, सॉरी पांचवा है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो दोस्तों भक्तिन का वास्तविक जो नाम है वो लक्ष्मी। यानी दोस्तों, अगर आपने इस अध्याय को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप सभी के आंसर दे सकते हैं। पहले इस अध्याय को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर छठा है कि भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था, तो भक्तिन का विवाह दोस्तों हंडिया गांव है वहां हुआ था। और भक्तिन का गोना यानी दोस्तों गोना किस आयु में हुआ, भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ, गोना मतलब यानी ससुराल कब गई। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों 9 वर्ष। ठीक है, 9 वर्ष दे रखा है। इसी प्रकार आठवां क्वेश्चन है कि भक्तिन की कितनी जिटाणियां थी, तो भक्तिन की दोस्तों 2 जिटाणियां थी। ठीक है, कितनी थी दोस्तों, 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ, तो दोस्तों भक्तिन का विवाह यानी छोटी सी उम्र में यानी 5 वर्ष की आयु में। दसवां है कि महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया, तो दोस्तों 4। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से 2 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन देख लिए, फिर आगे देखते हैं जल्दी से, क्योंकि आपका भी टाइम जो है वो ख़राब नहीं होगा, आप भी जल्दी से नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हमारे नज़दीक आ गए हैं, तो जल्दी से दोस्तों याद कर लीजिए इनको। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भक्तिन का नामकरण किसने किया, भक्तिन का नामकरण दोस्तों महादेवी वर्मा ने किया। ससुराल में भक्तिन के साथ सदव्यवहार किसने किया, तो पति ने। सास और जटानियां भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी, तो क्रूरतापूर्ण। ठीक है, 15वां दे रखा है कि भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा, तो ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हत्या सके। ठीक है, घर संपत्ति को यानी एक तरीके से यानी स्वयं अधिकार कर सके। ठीक है, इसलिए वे कह रहे थे कि वे पुनर्विवाह कर ले। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो दोस्तों हमारा समाज विधवा के साथ असम्मानपूर्ण व्यवहार करता है, असम्मानपूर्ण। ठीक है, और 17वां दे रखा है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, तो भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया। ठीक है, क्यों दिया होगा, तो भक्तिन का वास्तविक नाम दोस्तों लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी माना जाता है, दीपावली पर लक्ष्मी की पूजन यानी पूजा होती है। भक्तिन का जीवन निर्धनता से भरा हुआ था। महादेवी वर्मा से नौकरी मांगते समय उसने अनुरोध किया था कि उसके वास्तविक नाम से नहीं पुकारा जावे, तब लेखिका ने उसकी कंठी माला तथा वेशभूषा देकर भक्तिन का नाम दिया। ठीक है, यानी कंठी माला तथा वेशभूषा को देकर इसका नाम भक्तिन दिया। 18वें क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री दुश्मन होती है, क्या इससे आप सहमत हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप आगे देख सकते हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फिर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि आज भी हमारे परिवारों में पुत्रियों से पुत्रों को श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तिन का अपराध भी यही था कि उसने सास जठानियों की तरह पुत्र पैदा न करके 3 पुत्रियों को जन्म दिया था। सास और जठानियों ने उसे घर की नौकरानी जैसे बना दिया था। विचारणीय बात है कि भक्तिन को घृणा और उपेक्षा परिवार का नारियों से ही मिला, अपने पति से नहीं। समझ रहे दोस्तों, यानी विचारणीय बात तो यह है कि भक्तिन को घृणा और उपेक्षा परिवार का नारियों से ही मिला, अपने पति से नहीं।
उसका पति उसे पूरा सम्मान और प्यार देता था, घर की स्त्रियां ही उसकी दुश्मन बनी हुई थी, अतः हम इस कथन से सहमत हैं। तो ये नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। 19वां अध्याय का है कि भक्तिन अच्छी हैं, ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। देखो इसका उत्तर, जैसे भक्तिन महादेवी की सेविका थी, उसके गुणों के साथ ही भेद महादेवी उसके अवगुणों से परिचित थी, ठीक है, क्योंकि भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा से वहाँ पर नौकरी करती थी, तो महादेवी वर्मा उनसे यानी अच्छी तरीके से परिचित थी, ठीक है। अब उनके गुण और अवगुण को तो वो पहचानती थी, जानती थी। तो जैसे इसमें कहा गया कि भक्तिन अच्छी, ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो देखो भक्तिन महादेवी की सेविका थी, उसके गुणों के साथ ही महादेवी महादेवी उसके अवगुणों से परिचित थी, ठीक है, उसमें जो अवगुण थे तो महादेवी वर्मा उससे परिचित थी। लेखिका के अनुसार भक्तिन में निम्नलिखित अवगुण थे, जैसे भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी परंतु स्वयं बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वे इधर उधर पड़े महादेवी के रुपयों को मटकी में छुपा देती थी, तो ये प्रमुख अवगुण भी थे। भक्तिन में ये दुर्गुण भी है कि वे सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। तो कुल मिलाकर ये तीन पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। 20वें क्वेश्चन है दोस्तों कि भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। समझ रहे हैं कि भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। तो भक्ति ने अपना सिर उस्त्रे से मुड़वा लिया था, लेखिका को स्त्री का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता, उनके मना करने पर भक्ति ने सिर मुड़ाने को शास्त्रों के अनुकूल बताते हुए कहा, यह शास्त्र में लिखा है। लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है, ये पूछने पर उसने कहा तीर्थ गए मुड़ाए जिद, ठीक है, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। महादेवी जानती थी कि शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा, परंतु वे चुप रही और भक्तिन का सिर मुड़ाने का काम जारी रहा। तो भक्तिन द्वारा शास्त्रों के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण है, तो लेखिका ने दिया। तो ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े नंबरों के अंदर इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक दया थी कैसे हो गई। तो दोस्तों भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बनाना चाहती थी परंतु स्वयं नहीं बदलती थी, उसने महादेवी को मक्के से बने दलिये को मट्टे के साथ खाना, ज्वार के भुने भुट्टे के हर दानों को खिचड़ी का स्वादिष्ट होना तथा सफ़ेद महुए की लापसी को संसार का सबसे स्वादिष्ट हलवा मानकर खाना सिखाया, अपनी भाषा को अन्य कहावते उसने महादेवी को याद करा दी, इसी कारण महादेवी मानती हैं कि वे पहले से ही अधिक दयाती हो गई। तो कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको कॉपी के अंदर नोट करने हैं और इनको याद करने हैं। तो ये आज का अपना वीडियो था, वीडियो को शेयर करना है, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना है, और ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।